तो दोस्तों आप सभी के लिए बंपर भर्ती ला दिया गया है, जहां पे टोटल 4,503 पदों के लिए बहाली लाया जाएगा। ये जो बहाली आपका नगर विकास विभाग भर्ती के तहत 2021 में लाया जाएगा, जहां पे आप सभी के लिए एडीसी लिपिक सहायक प्रबंधक के अनुसार आपका पद है। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूँ। साथ ही बताता हूँ कि ये जो बहाली है आपका जितना भी जिला है सभी जिला में ब्लॉक वाइज बहाली किया जाएगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपको होस्ट एंड दोस्त राज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं कल का पेपर में अपडेट किया गया है कि नवगठित नगर निकायों के लिए सृजित किए गए हैं 4,503 नए पद। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे सृजित कर लिया गया है टोटल 4,503 पद। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आजकल में जारी होने वाली है। इस पर जल्द से जल्द जोरों तोरों पर काम चल रहा है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अप्रैल या तो मई महीने के बीच आपको ला दिया जाएगा, जहाँ पे मैं सभी को बातों को बताऊंगा डिटेल से। उससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाले जो भी भर्ती होती है, चाहे तो आपको बिहार एसएससी के तहत कॉन्स्टेबल के लिए या टीचर के लिए, तो मैं अपने चैनल में सारे बातें को सारा वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट न्यूज देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं सारा वैकेंसी से अपडेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। दोस्तों देखते हैं ये रहा जहां पे आपका सबसे पहले नजर आया कि पटना का जो नगर निगम है वहां पे 200 पदों का हुआ है सृजन, जहां पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आते हैं इधर, जहां पे देख सकते हैं राज्य में गठित नए नगर निकाय के लिए ही राज्य मंत्री परिषद ने टोटल 4,503 नए पदों की स्वीकृति दी है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साथ इसे लिखा गया है कि टोटल 4,503 नए पदों की स्वीकृति दी है। पहले राज्य में नगर पंचायतों की संख्या 81 थी, जो बढ़कर अब 157 हो गई। दोस्तों देख सकते हैं जहां पर पूरे बिहार में नगर पंचायतों की संख्या 81 थी, जो इसे बढ़ाकर 157 लगभग दुगना कर दिया गया है। नगर परिषद 49 से बढ़कर 83 हो गया, जो नगर परिषद था 49 से बढ़कर 83 हो गई है, जबकि नगर निकायों की संख्या 142 से बढ़कर 258 हो गए। तो दोस्तों देख सकते हैं जो भी नगर निकाय होते हैं, नगर पंचायत होते हैं, नगर परिषद है, ये सभी की संख्या लगभग दुगना कर दी गई है। तो जब ये संख्या को दुगना की गई है तो उसके अनुसार वहां पर जो वैकेंसी जो खाली है उस वैकेंसी को खाली वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए 4,503 पदों के लिए स्वीकृति बिहार सरकार ने दे दी है। ठीक है, अब आते हैं आगे। नगर पंचायत स्तर पर प्रशासनिक प्रभाग में एक एक कार्यपालक पदाधिकारी का पद सृजित किया गया, और जितने भी है वहां सभी पर एक एक कार्यपालक का पद सृजित किया गया है। इसके अलावा नगर प्रबंधक, प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पद सृजित किए गए हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर लिपिक का हो गया, उच्च वर्गीय हो गया, निम्न वर्गीय, सभी का लिपिक का भी पद सृजित किया गया है। इस तरह से नगर पंचायतों में पहले तरह से टोटल 765 पद सृजित थे, जबकि नए नगर पंचायत बनने के बाद टोटल 2,512 पद चाहिए थे। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर टोटल 2,512, जहाँ पे पहला मात्र 1,000 भी नहीं थी, लगभग 765 था, वहां पर अब 2,500 चाहिए। तो इतना मात्रा में जब आपका नगर पंचायत का इंक्रीज किया जा रहा है, उनका विस्तार किया जा रहा है, परिषद को विस्तार किया जा रहा है, तो संख्या को भी विस्तार किया जाएगा। तो इसी संख्या को फुलफिल करने के लिए बिहार सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी लाने वाली है। ठीक है, अब आते हैं आगे। नगर परिषद स्तर पर भी कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक व सहायक विधिक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, प्रधान लिपिक, विधि सहायक, लिपिक सहित अन्य पदों का सृजन हुआ है। तो बस तो यही थी आज की वीडियो। हाँ तो बताता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना, ताकि उन सभी तक ये नोटिस मिल जाए। और चाहते हैं इसी तरह वैकेंसी से अप टू डेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।